हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी कांग्रेस ने, तो उसके क्या रीजंस थे। बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने साइमन कमीशन में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, तो उसके रिव्यू के लिए साइमन कमीशन बिठाया गया था, राइट। बट वो उसमें एक प्रोविजन था कि वो 10 साल के बाद आएगा, लेकिन वो 2 साल पहले आ गया था बिकॉज उस टाइम पे इलेक्शंस आने वाली थी, राइट। तो कंजर्वेटिव पार्टी थी इंडिया में भी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऑब्वियसली, तो उनको थोड़ा सा खतरा था कि अगर हम इंडियंस की बातों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, बिकॉज जो लेबर पार्टी थी वो लिबरल थी थोड़ी सी, ठीक है, और उनको था कि वो आके इंडिया की डिमांड्स को ज़्यादा मतलब वेटेज देंगे, तो इसके चलते उन्होंने पहले कमीशन बिठाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शंस हुई और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो हार गई, और लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी जो थी, इन कोअलिशन विद लिबरल्स, ठीक है, वो फॉर्म में आ गई। अब जो लिबरल्स थे, बिकॉज वो भी गवर्नमेंट के पार्ट थे, तो ऑब्वियसली वो लिबरल है तो अपनी उनकी जो पॉलिसीज थी या जो भी उनकी सोच विचार, सारे लिबरल ही होंगे, है ना। तो इसके चलते उन्होंने जो इंडियंस थे, इंडियन लीडर्स थे या इंडियंस थे, उनकी डिमांड्स को सही तरीके से एक्नॉलेज किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा कि आप जो है वो कांग्रेस की डिमांड्स को कंसिडर करो। तो इसके चलते लॉर्ड इरविन को भेजा गया था, और लॉर्ड इरविन जब इंडिया में आया तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको दिवाली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, बिकॉज वो दिवाली के अराउंड दी गई थी, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट के वजह से बाद में जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, इंडिया में भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बाद में उसको रिकन्सिडर करने की बात कही गई, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो गांधी जी ने बाद में पूर्ण स्वराज की जो थी वो डिमांड रखी। तो उसके बाद जो था, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च करी गई, क्या रीजंस थे और क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई इसमें, क्या लेटर ऑन डेवलपमेंट्स थी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ऑल ओवर द इंडिया, एंड फिर उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स निकले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, हार्डली 5 से 10 लेक्चर जो हैं वो रहने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगेन मैं कहती हूँ, जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं या स्टेट PCS के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो SSC के भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने क्वेश्चन पेपर्स, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करके देखिए मेरी वीडियोस देखने के बाद, और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो चाहे वो प्री के हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो जनरल, आपके कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शंस हुई, ठीक है, तो जो लेबर पार्टी थी वो फॉर्म में आई, कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो हार गई, बट लेबर पार्टी जो थी वो लिबरल्स की हेल्प से, इनकी कोलिशन के साथ जो थी वो बनी, ठीक है। सो राम सिंह मैकडोनल्ड जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बने। सो सिंस लिबरल्स वाज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड टॉक्स अबाउट द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस। तो इसके चलते लॉर्ड इरविन को बुलाया गया। लॉर्ड इरविन जब आया तो उसने पता क्या स्टेटमेंट दी, वो कहता है कि जो हमने मंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपको दिए हैं, 1919 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसमें ये चीज़ इम्प्लिसिट है, डोमिनियन स्टेटस की बात करेगी, बिकॉज उसमें डायरकी जो थी वो अबॉलिश कर दी गई थी, और बोला था मिनिस्टर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो इस हिसाब से जो है वो हमने आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी है, दैट मीन्स कि आपको हमने डोमिनियन स्टेटस की ग्रांट करी है। डोमिनियन स्टेटस में ऑलरेडी आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, फिर भी हम बता देती हूँ थोड़ा सा, कि डोमिनियन स्टेटस होता है कि कंट्री पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है, वो किसी कंट्री के साथ अटैच्ड रहती है, जैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वगैरह, है ना। तो जैसे कि एक यूनिवर्सिटी होती है, ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, ठीक है, बट ऑटोनॉमस कॉलेज तो होता है लेकिन वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को तो एफिलिएट होता ही है ना, तो सेम जो है होता है वो डोमिनियन स्टेटस होता है। तो ये चीज़ थी, तो इससे इंडियंस थोड़े से सेटिस्फाइड हो गए, बिकॉज इंडियंस की काफ़ी देर से डिमांड चल रही थी डोमिनियन स्टेटस को लेकर। क्योंकि डेक्लेरेशन ये जो दी गई थी ये दिवाली के अराउंड दी गई थी, तो इसके चलते इसको दिवाली डेक्लेरेशन बोला जाता था। बट इससे क्या हुआ कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, बिकॉज पहले गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इतना मतलब गवर्नमेंट ने वेटेज ही नहीं दिया, ना वो कोई नेगोशिएशन के लिए उतरी गांधी जी के साथ, तो फिर डोमिनियन स्टेटस की बात ही कहाँ से आती। तो इसके चलते बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी थी उस टाइम पे, तो वो तो भड़केगी ही ना कि हमने तो ऐसी बात की नहीं है, तो मंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे टाइम पे आए हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको जो है डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर दिया। तो इससे बड़ी हड़बड़ी जो थी वो पैदा हो गई। तो विंस्टन चर्चिल जो थे ये इन्होंने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर भी बोला है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि किस बंदे ने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर बोला है,
तो विंस्टर चर्चिल ने बोला है, ठीक है। तो विंस्टर चर्चिल कहते हैं कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, ठीक है। बट वही चीज़ हो गई कि काफ़ी प्रेशर इनको पड़ा इंडिया से भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपोजिशन से भी, तो उसके चलते इन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो थी वापस ले ली कि हम आपको कोई भी डोमिनियन स्टेटस की कमिटमेंट नहीं करते हैं। तो इसके चलते 23 दिसंबर 1929 को काफ़ी कांग्रेस लीडर्स इकट्ठे होकर वॉइस रॉय से मिले और उन्होंने बोला कि आपने अपनी स्टेटमेंट पर जो भी हमने आपने ये बात कही है दिल्ली दिवाली डेक्लेरेशन, तो उसके ऊपर आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, जो कि उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया। सो इसके चलते गांधी जी के पास अब और कोई ऑप्शन तो थी नहीं, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करने की सोची। तो 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 18 मेंबर थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑन लाइन्स विद होम रूल लीग, जैसे होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी रिकमेंड की कि मतलब तो सारे मेंबर्स इकट्ठे होके आएंगे फिर अपनी वोट देंगे, तो कितना टाइम लग जाता, दूर दूर से आते हैं, तो उसके चलते कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो बनाई गई है ना, सेम गांधी जी के टाइम पे ऐसे कांग्रेस ने बनाया। तो उसमें क्या था कि सिर्फ वही बंदे जो थे वो मेन उनके ही वोट्स ले लिए जाते थे और वो कंसेंसस पे ही होता था सारा काम, है ना। तो इसमें क्या था कि 18 मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जिसमें से सिर्फ 15 मेंबर्स जो थे, सिर्फ 3 मेंबर्स जो थे उन्होंने नेहरू को सपोर्ट किया था फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, बाकी जो जितने 15 के 15 मेंबर्स थे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। बट इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो फिर 21 दिसंबर 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेहरू जी ने वहाँ पे जो था 12 बजे रात के फ्लैग जो था अपना ट्राइकलर जो था वो हॉइस्ट किया और पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल जो था वो डिक्लेयर किया। बिकॉज नेहरू रिपोर्ट जो थी वो रिजेक्ट कर ली गई थी, तो इसके चलते आने वाली हर एक इलेक्शन और एंट्री जो थी सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उसको भी बॉयकॉट करने का सोचा गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम जो था ये लॉन्च करने वाले थे, जिसकी सारी ड्राफ्ट का जो भी काम था वो गांधी जी को सौंपा गया कि क्या इसकी मेथडोलॉजी होगी, क्या नेचर होगी, ये आप डिसाइड करोगे। तो 26 जनवरी 1930 को, अब ये बात ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी जनों को पता भी होगी, काफ़ी को नहीं भी पता होगी। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने पूरन स्वराज की प्लेज जो थी उसको ड्राफ्ट किया और इस साल से 1947 तक 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे ये मनाते आए थे कांग्रेस, ठीक है। इसी के चलते हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, फिर भी उसको डिले किया गया उसकी अडॉप्शन में और डेट रखी गई थी 26 जनवरी 1950, यानी कि आने वाले साल का 26 जनवरी। क्यों? बिकॉज वो इसी तरीक को ही अपना गणतंत्र दिवस जो था वो मनाना चाहती थी सरकार, बिकॉज इस दिन गांधी जी ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर को ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सारा ड्राफ्ट का काम जो था वो गांधी जी को दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब इनिशियली क्या है कि गांधी जी थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करेंगे, क्यों? बिकॉज उस टाइम पे जो था पहले एनसीएम के दौरान जो थी वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी कम्युनल राइट्स हुए, है ना। एंड मोर ओवर इसमें क्या था, एक चीज़ और बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब उस एनसीएम लॉन्च करी थी तो उसका मेन इन्होंने राम राज्य कॉल दी थी, है ना, जिसको हिंदू ज़्यादा जो थे वो अपील हुए थे उस चीज़ की वजह से। तो अब ये इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एंड मोर ओवर उस टाइम क्या हुआ था, अभी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुए और अभी क्या होगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट डिमांड्स रखी हैं, है ना, तो उसके चलते भी मुस्लिम लीग जो है वो थोड़ी सेपरेट हो गई है हिंदुओं से, बिकॉज वो एक तो उनकी जो मेन डिमांड थी जो नेहरू रिपोर्ट था वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहा था, मुस्लिम लीग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए गांधी जी को इस चीज़ का एप्रीहेंशन था कि कल को फिर से अगर मैं कोई मास मूवमेंट लॉन्च करता हूँ तो दोबारा से कोई कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, बिकॉज अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो भी थोड़ी सी खतरे में है, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी जो थे वो इससे पहले कि कोई मास पीस मूवमेंट लॉन्च करते तो उन्होंने सरकार के आगे 11 पॉइंट्स की एक डिमांड रखी कि अगर वो 11 पॉइंट डिमांड आप हमारी फुलफिल करते हो तो हम कोई भी मास पीस मूवमेंट जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे, बट अगर आप नहीं करते हो तो फिर हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। बट हाँ, इन 11 पॉइंट डिमांड्स में गांधी जी ने कहीं पर भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, हालांकि डोमिनियन स्टेटस का इन्होंने ज़रूर बोला था लेकिन पूर्ण स्वराज की डिमांड इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। बट 2 महीने तक वेट करते रहे लेकिन इरविन से कोई रिस्पांस नहीं आया तो इन्होंने अपनी मूवमेंट जो थी वो लॉन्च कर दी। अब 11 पॉइंट डिमांड्स क्या थी, अब इनमें से काफ़ी डिमांड्स जो थी वो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ना बाद में,
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें इनकी काफ़ी डिमांड्स जो थी वो कंसिडर कर ली गई थी। तो पहली डिमांड क्या थी? इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये डिमांड जो थी ये भी फुलफिल हो गई थी, एक्सेप्ट जो मतलब गिल्टी होंगे वायलेंस रिलेटेड क्राइम्स के उनको छोड़ के। देन लैंड रेवेन्यू टू बी रिड्यूस टू इट्स हाफ, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, तो ये भी लिमिटेड राइट्स के ऊपर जो थे बाद में ग्रांट कर दिए गए थे गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू। लोअरिंग ऑफ रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर भी थोड़े से राइट्स जो दे दिए गए थे। एक्चुअली इंडिजिनस इंडस्ट्री में इनका मेन मोटिव ये था कि जो बाहर से गुड्स आते हैं उनके ऊपर जो है टैरिफ वगैरह इम्पोज किया जाए, ठीक है। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, लेटर ऑन ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन क्लोथ्स पे ऊपर टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फॉरेन क्लोथ्स हो गए, टेक्सटाइल इज अ पार्ट ऑफ फॉरन क्लोथ्स आर अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो इसके अलावा ये गुड्स की भी बात करते हैं कि जितने भी गुड्स वहाँ से आते हैं किसी भी तरह के, तो उनके ऊपर जो है वो टैरिफ इम्पोज किया जाए ताकि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिले, राइट। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को जो है वो कम करके आधा कर दिया जाए, जो सैलरीज हैं जो हायर ग्रेड सर्विसेज की हैं उनको 50% कम किया जाए टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। देन टोटल प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेंट्स, इसके ऊपर हमारे लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेशन किया है लोगों के बीच में कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ आपसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है इसके चलते, लेकिन आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है इससे और कुछ नहीं हो रहा, आपकी भी वेलफेयर नहीं है, है ना। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ का जो था वो मैसेज कन्वे किया। देन एबोलिशन ऑफ CID और इट्स अनपॉपुलर मेजर्स, चेंजेस इन आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो लॉर्ड लाइटन के टाइम पे 1878 में अराउंड ये आया था आर्म्स एक्ट, जिसके चलते ये था कोई भी इंडियन जो है वो विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट या वो रख नहीं सकता है आर्म्स अपने पर्सनल यूज के लिए, एंड अगर रखना भी है तो उसके लिए उसको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब एग्जॉर्बिटेंट फीस थी, है ना। तो इसके चलते जो था और लोगों ने तब भी बहुत प्रोटेस्ट किया था, तो यहाँ पे गांधी जी ने ये भी डिमांड रखी थी कि आर्म्स एक्ट में चेंजेस की जाएं और इंडियंस को जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स जो है वो रखने की परमिशन दे दी जाए। बट इनकी 11 पॉइंट डिमांड्स रिजेक्ट हो गई, तो इन्होंने बोला कि मैंने ब्रेड मांगा तो मुझे पत्थर मिले। तो इसके चलते गांधी जी के पास और कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने बाद में दांडी मार्च स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की विद दांडी मार्च, ठीक है। और साल्ट सत्याग्रह भी जिसको बोलते हैं, जिसमें इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, वो भी पीसफुली ब्रेक किया था, और इसी वजह से ये मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये हीरो बन गए थे सिर्फ एक सत्याग्रह की वजह से। एक बूढ़ा बंदा जो है वो बैम्बू स्टिक लेके चल रहा है और एक माइटी एम्पायर का सामना कर रहा है, वो भी बिना किसी वायलेंस को यूज करते हुए, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन गई थी। तो रीजंस क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो जो 11 पॉइंट प्रोग्राम था गांधी जी का वो भी रिजेक्ट हुआ, साथ में जो डोमिनियन स्टेटस की जो इनकी मांग थी वो भी रिजेक्ट हुई। द इकोनॉमिक रीजंस की अगर हम बात करें तो जैसे 2008 में रिसेशन आया था ना US में, कब उसकी वजह से ऑल ओवर दी इकोनॉमीज वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज पे जो था वो फर्क पड़ा था, है ना, इम्पैक्ट पड़ा था। तो वही चीज़ 1929 में भी हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था USA में, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो थी, बिकॉज USA भी उस टाइम पे कैपिटलिस्ट था, तो जितनी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमीज भी अफेक्ट हुई थी। कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो USSR था, सोवियत यूनियन जो था वो उस टाइम पे सोशलिस्ट कंट्रीज था, ठीक है। तो उसको कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ा था, तो जितनी भी सोशलिस्ट कंट्रीज थी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, या प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट हैंड्स में होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन, जबकि सोशलिज्म में जो है वो जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दी गवर्नमेंट इटसेल्फ। और जो कैपिटलिज्म होता है उसमें प्रोडक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, बिकॉज उनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट सोशलिज्म में प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा लिमिट होता है, ठीक है, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाओ। और कैपिटलिज्म में जो होता है वो होता है कि काम किसी भी तरीके से चले, चाहे मशीनीकरण जो होता है, ऑटोमेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके चलते ही चले, लेकिन काम चलना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट जो सोशलिज्म होता है उसमें होता है कि चाहे मैनुअल वर्क ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी जो है सोशलिस्ट कंट्रीज़ का एक मेन मुद्दा रहता है।
तो ये फर्क होता है। तो इसी के चलते जो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर चीज पे प्रोडक्शन पे वो कहते हैं कि ये जो हम जो अभी उगा रहे हैं ये सब लोगों के बीच में इक्वली बंटना चाहिए सोशलिस्ट कंट्रीज में। इसीलिए जब भी ऐसी कोई बात आती है रिसेशन वगैरह तो सोशलिस्ट कंट्रीज जो होती हैं वो लीस्ट अफेक्टेड रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटेन भी कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो ऑब्वियसली इंडिया भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, तो इंडिया भी इफेक्ट हुआ इस चीज से, ठीक है, इन्फ्लेशन भी हुआ, तो ऑब्वियसली सारे ही लोग जो है वो इससे अफेक्टेड होंगे। तो कैपिटलिस्ट क्लास तो अफेक्टेड होगी होगी, साथ में लेबर क्लास भी जो है वो अफेक्टेड होगी। लेबर क्लास क्यों होगी? बिकॉज प्रोडक्शन कम हो जाएगी डिप्रेशन की वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो वो चीखेंगे ही ना। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो थी उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो कोस्टल शिपिंग है वो सारी की सॉरी सारी इंडियंस के कंट्रोल में दे दी जाए, लेकिन इंग्लिश ने ब्रिटिश ने वो डिमांड उनकी रिजेक्ट कर दी। उस टाइम पे बिगल कोस्टल शिपिंग कंपनी थी सिंधिया नेविगेशन कंपनी ऑफ हीरा चंद एंड बालचंद, ठीक है, तो इंडियन कंपनी थी लेकिन इसका कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के पास था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। तो जब गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स नहीं कंसिडर की तो ऑब्वियसली ये भड़केंगे ही, है ना। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो इसी चलते गांधी जी के साथ आई थी। तो कई बार ये भी गांधी जी कहते हैं कि मतलब लोग इसीलिए मुझे कहते हैं कि आई एम द माउथ पीस ऑफ कैपिटलिस्ट, के हर हर टाइम जो है वो कैपिटलिस्ट को ये फेवर करते हैं, है ना। जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी हुआ था ये चीज़, उन्होंने वहां पे कही थी। फिर उसके बाद लेबर क्लास, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ऑब्वियसली लेबर क्लास जो है वो भी नाराज होगी। तो इसके चलते क्या हुआ कि जितनी भी लेबर क्लास थी उसको कम्युनिस्ट लोगों ने काफी सपोर्ट किया, और वो कम्युनिस्ट लोग जो थे दे हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ लेनिन एंड मार्क्स, जो कि वॉयलेंस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे काफी ब्रिटिश और अमेरिकन कम्युनिस्ट इंडिया में थे जो इंडियन लेबर क्लास को इंस्टिगेट कर रहे थे कि आप जो है वो लार्ज स्केल पे स्ट्राइक करो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जब लोगों ने स्ट्राइक की लेबर क्लास ने, तो गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी, ठीक है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने मतलब ये कहा कि हम आपकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो था वो 1929 में इन्होंने निकाला। हालांकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लेबर क्लास की वेलफेयर, बट इन्होंने क्या किया कि इस एक्ट के थ्रू जितनी भी स्ट्राइक लेबर क्लास करती थी उस टाइम पे उनको इलीगल जो था वो घोषित कर दिया। उस टाइम पे जो लार्जेस्ट स्ट्राइक हुई थी वो थी गिरनी कामगार यूनियन की तरफ से 1929 इन बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। तो इट्स लीडर वॉज ऐसे डांगे, नीरजकर, जुगलेकर एटसेट्रा, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। एंड इन साउथ इंडिया देर वॉज लार्ज स्ट्राइक इन साउदर्न रेलवे अंडर सिंगारेलू। तो लेबर की तरफ से बहुत प्रेशर आया जब इन्होंने ऐसे स्ट्राइक को भी इलीगल कर दिया ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के से लाके। तो उसके बाद जो था गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर एक कमीशन जो था वो बिठाया गया जिसको कहते हैं विटले कमीशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं, आपको पता है कमीशन कमेटीज इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विटले कमीशन है, दैट इज रिलेटेड टू लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये विटले कमीशन जो था बिठाया गया था कि हम लेबर की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, बट इसके भी अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस थे वो भी लेबर क्लास के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से अगेन इसको इसका प्रोटेस्ट किया गया और जो लेबर क्लास थी वो भी गांधी जी की मूवमेंट के साथ जुड़ गई। देन उसके बाद जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स का कॉज अगर हम करें तो ये बहुत ही मेजर रोल पीजेंट्स ने प्ले किया है सीडीएम में। ये एक मूवमेंट हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले बरदौली में, जिसको बरदौली मूवमेंट या बरदौली सत्याग्रह भी बोलते हैं, 1928 में हुआ था। ये हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल जो मैन ऑफ यूनिटी जिनको हम जानते हैं, तो उनको सरदार का जो टाइटल दिया गया था वो इसी सीडीएम के चलते जो था वो दिया गया था। तो उसमें क्या था, बरदौली जो है सूरत के अराउंड जो था वो पड़ता था, तो उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंटेड था। तीन तरह के सिस्टम हमने करे थे, महलवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम जो था वो था मतलब जैसे फर्टाइल प्लेन्स थे यहाँ पे, जैसे पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था, है ना, सॉरी हरियाणा तो उस टाइम था ही नहीं, तो वहाँ पे, है ना। और जैसे जो रैयत अपना परमानेंट सेटलमेंट था वो मेनली सेंट्रल प्रोविंसेस पे था, ईस्टर्न इंडिया पे इम्प्लीमेंटेड था। और अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो वो था साउथ वेस्ट इंडिया में जितना भी एरिया है वहाँ पे जो था ये इम्प्लीमेंटेड था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे इंडियन जमींदार बीच में थे, थ्री टीयर सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट में, ब्रिटिशर्स थे, इंडियन जमींदार थे और फिर पीजेंट्स थे। बट उसमें क्या था कि इंडियन जो जमींदार होते थे वही जैसे फोर्सफुल मेथड भी यूज कर लेते कई बार, है ना, तो वही जो थे वो डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ
से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, बट महलवाड़ी सिस्टम में महल सिस्टम था, विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उनसे कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डायरेक्टली पीजेंट से जो थी वो लैंड रेवेन्यू वसूलती थी। तो यहाँ पे इंडियन जमींदार और इंडियन पीजेंट्स की बात आती, वहाँ पे गांधी जी हमेशा ही रिलक्टेंट फील करते थे बिकॉज वहाँ पे इंडियन इंडियन कन्फ्लिक्ट होता। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिशर्स का कन्फ्लिक्ट है इंडियंस के साथ, इंडियन पीजेंट्स के साथ, तो यहाँ पे उनको आने से कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे अपने भाई भाई में कोई किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, है ना। तो इसके चलते ये कॉज कांग्रेस ने सपोर्ट किया और कांग्रेस ने अपनी इसको फुल सपोर्ट दी और वल्लभ भाई पटेल के अंडर ये एक रेडिकल मूवमेंट की फॉर्म में जो थी वो आगे बढ़ी। तो ये बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पिछले सालों में जितना भी चल रहा आ रहा था लैंड रेवेन्यू उससे 30% ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब बहुत सारी एजिटेशंस हुई तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 21% कर दिया जो अगेन पीजेंट्स को अनअसेप्टेबल था, ठीक है। तो इसके चलते बाद में इनको मतलब पीजेंट्स को बोला गया कि अब जो मर्जी हो जाए आपको क्या करना है, आपको टैक्स पे नहीं करना है, रेवेन्यू पे नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए आपके आपके ऊपर जितना मर्जी टॉर्चर करें, आपकी ज़मीनें छीन लें, जो मर्जी करें, ठीक है, बट आपको पीसफुली इसको जो है वो प्रोटेस्ट करना है। तो इसमें सोशल कॉम्पोजिशन क्या थी, अब इसमें लोगों की सपोर्ट क्यों मिली गांधी जी को या फिर कांग्रेस को, इसमें क्या होता था कि दो तरीके के लोग थे, एक थे जो ऊंची जाति के जिनको बोला जाता था उज्जवल प्रजा जिसको बोलते थे ये लोग, और एक होते थे नीची जाति के जिनको काली प्रजा बोला जाता था। अब जो काली प्रजा के लोग थे ना बेचारे, वो बेचारे जैसे जनानियाँ थी तो वो लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम करती थी, और जो बंदे थे वो लोग जो बड़े जमींदार होते थे उनके खेतों में काम करते थे, लेकिन उनको बदले में ना खाने के लिए रोटी मिलती थी, ना पहनने के लिए कपड़ा मिलता था, ना पैसा मिलता था, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इतना बुरा हाल था उनका। तो इससे पहले जो था वो गांधी जी ने यहाँ पे काली प्रजा की ही एक ट्राइब थी दुबला ट्राइब, तो उनके लिए भी काफ़ी काम किया था, और उनके जो लोकल गॉड्स थे इन ट्राइब्स के वो थे सिलिया और सिमिलिया, जिनकी मतलब थोड़ी सी सिमिलैरिटी कह लो, रिजेम्बलेंस कह लो गांधी जी के साथ थी बिकॉज वो भी धोती पहनते थे, कॉटन क्लोथ्स पहनते थे और बकरी का दूध पीते थे, है ना। तो इसके चलते वो गांधी जी को पूजने लग गए थे अपने भगवान के रूप में। तो जब गांधी एंड इवन गांधी जी ने उनके लिए काम किया तो गांधी जी ने काली प्रजा की जगह उनको रानी प्रजा का नाम दिया। तो इसके चलते वो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा अडोर करते थे, राइट। और फ्रीडम फाइटर, ये एक पॉइंट है जो आपको वैसे याद रखना है कि फ्रीडम फाइटर ठक्कर बप्पा जो थे इन्होंने ट्राइबल्स को आदिवासी का नाम दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि गांधी जी ने इनके लिए काफ़ी जैसे काम किया बिकॉज गांधी जी के बड़े ही कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हैं, वो भी हम किसी वीडियो में कर लेंगे साथ में क्या क्या काम किया। वैसे गांधी जी ने ये जो अनटचेबल्स हैं हरिजन का नाम दिया उनको, है ना, और ये जो लोअर जाति के लोग थे उनको लिए बहुत काम किया है। अब बी आर अम्बेडकर जी का भी बहुत नाम है, बट बी आर अम्बेडकर जो थे वो खुद महार जो थी वो उनकी, है ना, उनकी कास्ट वगैरह, तो वो खुद दलित थे, तो इसके चलते वो दलितों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। लेकिन गांधी जी ने भी कम काम नहीं किया है, उनसे ज़्यादा ही किया होगा, ठीक है, या उनके बराबर ही किया होगा, लेकिन कम काम उन्होंने भी नहीं किया है। गांधी जी ने बड़े ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं उन्होंने। तो इसके चलते गांधी जी को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, पुअर से पुअर सेक्शन का सपोर्ट मिला, ट्राइबल्स का सपोर्ट मिला। अब कोई बंदा ऐसे तो सपोर्ट नहीं ना ले सकता, गेन कर सकता, ठीक है, तो कोई बंदे के पल्ले होगा तभी सपोर्ट करेगा ना किसी लेगा किसी की। तो इसके चलते फिर क्या हुआ कि पीजेंट्स जो थे उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि उनकी ज़मीनें जो थी वो हड़प ली। तो जैसे ही जैसे एजिटेशन बढ़ता गया ऑल ओवर इंडिया, जितने भी पीजेंट्स थे उनकी सपोर्ट मिलती गई इस प्रोटेस्ट को, तो उसके चलते गवर्नमेंट को थोड़ी एप्रीहेंशन हो गई कि कल को ऐसे ही रिवोल्ट जो है वो दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, तो हमें इनकी मांगे जो है थोड़ी कंसिडर करनी चाहिए, जिसके चलते इन्होंने एक कमीशन बिठाया था, ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमीशन। तो ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमीशन जो था उसने इस जो ये जो इंक्रीज किया था लैंड रेवेन्यू इसको अनजस्टिसेबल बताया और इसको रिड्यूस करके 6.03% बता दिया कि अब 6.03% आपको देना है, बट वो भी अगेन ज़्यादा था तो वो भी अनअसेप्टेबल रहा। तो एट दी एंड ये डिसाइड किया गया कि जो बंदा पे कर सकता है वो पे करे, जो नहीं कर सकता है वो ना करे, ठीक है। तो इसके चलते ये मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ, बरदौली मूवमेंट। तो इसी मूवमेंट के चलते वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। अब बात करते हैं दांडी मार्च की या साल्ट सत्याग्रह की। तो जैसे ही इरविन ने नहीं सुना, ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था कि मैं पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करूंगा या मैं कोई मास बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करूंगा, तो उसके चलते इन्होंने पीसफुली लॉ ब्रेक करना शुरू कर दिया, और वो शुरुआत की इन्होंने दांडी मार्च से
अहमदाबाद से ये साबरमती आश्रम से चले और दांडी जो एक कोस्टल प्लेस थी डिस्ट्रिक्ट नवसारी में वहां पर ये पहुंचे। 12 मार्च 1930 को ये चले थे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है। और साथ में इन्होंने सुगंध खाई थी कि जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिलेगी मैं वापस साबरमती आश्रम में नहीं आऊंगा। अब बात करते हैं सॉल्ट को क्यों चुना गया। एक तो सबसे बड़ा रीजन था वो था कि ये एक हर एक बंदे की जरूरत है, डेली नेसेसिटी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है ना, तो हर एक बंदा जो है वो उसकी एक बेसिक नेसेसिटी है जो नमक है ना, हर कोई बंदा सब्जी में डाल के खाता ही खाता है, तो ये चीज थी। तो इसमें कोई भी किसी तरह का कम्युनल राइट को कम्युनल इशू या वायलेंस रिलेटेड इशू तो हो ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। तो इसके चलते हर एक कास्ट की सपोर्ट जो थी वो गांधी जी को मिली। सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने कोई जैसे एनसीएम में राम राज्य की कॉल दी थी तो मुस्लिम्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे इस चीज़ के चलते, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का अपनी सूझबूझ का काम लिया और इस चीज़ का ध्यान रखा और कोई भी ऐसी अपील जो थी राम राज्य की वो नहीं दी, ठीक है। एंड तीसरा, इसमें जो सॉल्ट टैक्स था इससे जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की तो जो भी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आता था उसमें से 8.2% सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट टैक्स से ये जनरेट करते थे, ठीक है। तो एक मोनोपोली इन्होंने जो थी वो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर क्रिएट कर रखी थी और इवन जो वहाँ के लोग थे जो कोस्टल एरियाज में रहते थे उनको इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो अपनी डेली कंजम्पशन के लिए भी सॉल्ट जो है वहाँ से बना सके। तो इस चीज़ के चलते जो था वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना ज़रूरी था। तो फादर जो वुमेन थी, ठीक है, वुमेन जो है वो भी अपने किचन में नमक का यूज़ करती हैं, तो इस मोमेंट में ये एक बड़ी रिमार्केबल इवेंट था कि इसमें वुमेन का पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मैक्सिमम वुमेन पार्टिसिपेशन जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से था, जो कि ऑब्वियसली इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स देयर इमेंसिपेशन आल्सो, है ना। सो देयर वाज अ टेक्निक यूज्ड टू मोबिलाइज द मासेस एंड टू इंश्योर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो सॉल्ट जो था एक मेजर पोलिटिकल सिम्बल बन गया था और दांडी मार्च जो था उससे मतलब जितने भी लोग थे उनको उनकी क्रेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, नॉट इवन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि गांधी जी जो थे रातों रात हीरो बन गए, कि हर एक न्यूज़पेपर में उनकी खबर जो थी वो लग गई कि एक बंदा, बूढ़ा बंदा, एक बैम्बू स्टिक लेके जा रहा है और इतने लोगों को साथ लेके जा रहा है एक माइटी एम्पायर के साथ लड़ने, वो भी बिना किसी वायलेंस को रिजॉर्ट करते हुए सिर्फ एक बैम्बू स्टिक के साथ। तो इसके वजह से अमेरिका ने भी इनको सपोर्ट किया, 1930 तक इनको जो थी वो सपोर्ट मिली बिकॉज अमेरिका वाज आल्सो अगेंस्ट इम्पोजिंग द टैक्सेशन ऑफ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर कीपिंग अ मोनोपोली ओवर सॉल्ट बाय द गवर्नमेंट। तो अमेरिका की भी सपोर्ट जो थी इंडिया को मिल गई। अब इन्होंने मेथडोलॉजी क्या यूज़ की, सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था जहाँ पे भी पॉसिबल होता, फर्दर बॉयकट करना फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर को, और यहाँ पे बोला गया था जो विमेन होंगी वो जो लीकर शॉप जैसे ठेके होते हैं उनके बाहर धरना स्टेज करेंगी, ठीक है। तो क्या होता था कि वुमेन बैठ जाती थी, अब उनके घर वाले बंदे आते वहाँ पे, है ना, तो शर्म के मारे ही नहीं पीते थे। आजकल तो किसी को इतनी खैर शर्म लिहाज है नहीं बट फिर भी उस जमाने में बहुत थी, है ना, तो बंदे जो थे शर्म के मारे नहीं आते थे कि हमारी जनानियाँ ठेकों के सामने बैठी धरना दे रही हैं, है ना। तो उसके चलते ये चीज़ बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। तब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इन रैयतवाड़ी एरियाज, ये भी एक चीज़ था जो इन्होंने मेथडोलॉजी बताई कि जहाँ जहाँ पे भी रैयतवाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस के साथ, इंडियन पेजेंट्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स इन जिम्मेदारी एरियाज, जिम्मेदारी एरियाज में ना चौकीदारी पंचायतें होती थी जो चौकीदारी टैक्स वसूलती थी लोगों से, लोकल लोगों से, ठीक है, गांव के लोगों से, तो वो भी इन्होंने बोला कि नहीं दोगे आप चौकीदारी टैक्स। देन उसके बाद जहाँ पे फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट है स्पेशली जैसे सेंट्रल प्रोविंस थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे लोग जो थे वो अपना फॉरेस्ट लॉज को पीसफुली वायलेट करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, स्पेशली जो ट्राइबल्स थे उन्होंने जैसे टिम्बर वगैरह काट के उसका सामान बना के और ओपनली उनको बेचा था, इलीगली बेचा था बट ओपनली बेचा था। देन रेजिग्नेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो अब बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशावर की। ऑल दो कि इस मूवमेंट में जो था वो मुस्लिम्स का लीस्ट पार्टिसिपेशन था बिकॉज ऑफ 14 पॉइंट्स बाय जिन्ना, है ना, या फिर और भी कई चीज़ें थी जैसे काफ़ी जो लीडर्स थे वो भी लोगों को कहते थे कि अगर कांग्रेस पावर में आती है कल को देश में इलेक्शंस में जीतती है तो हिंदू मेजोरिटी देश बन जाएगा, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट जो है वो सब्जुगेटेड हो जाएंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुस्लिम्स थोड़े से इस चीज़ से पीछे ही रहे हैं। बट पेशावर में अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी और सरहदी गांधी और बादशाह खान भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर,
तो इनकी लीडरशिप के अंडर ये प्रोटेस्ट हुआ था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था ऑन लाइंस विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी खुदाई खिदमतगार, जिसमें ये अपने आप को भगवान के सर्वेंट्स बताते हैं और लोगों की सेवा के लिए इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो इन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थी वो लॉन्च करी, जिसको ये रेड शर्ट मूवमेंट का नाम देते थे, बिकॉज इनके वॉलंटियर्स रेड शर्ट मूवमेंट जो थे वो पहनते थे। ऐसी ही एक मूवमेंट इटली में भी हुई थी, रेड शर्ट मूवमेंट, बट वो जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल नॉन वायलेंट नहीं थी, तो वो ये वायलेंट मूवमेंट थी, ठीक है। बट अगर ये इनकी जो खान अब्दुल गफार खान की बात करें, तो इनकी ये जो मूवमेंट थी रेड शर्ट मूवमेंट, ये बिल्कुल बिल्कुल नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, और इनकी अरेस्ट के चलते बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इस एरिया में, बड़ी एजिटेशंस हुई, इतने लोग सड़कों पे उतर आए थे कि गवर्नमेंट को जो था वो मशीन गन्स लेके आनी पड़ी थी। इसी ही एरिया में अगेन एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट, जो कि कम्प्लीटली एक हिंदू रेजिमेंट थी, हिंदू लोगों की आर्मी थी, और उनको बोला गया था कि आप लोगों के ऊपर, जो कि उस टाइम पे मुस्लिम्स थे वहाँ पे, इनके ऊपर अटैक करो, तो इन्होंने मना कर दिया था। ये बड़ा ही सही, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, और उन सारे सारे हिंदू जो आर्मी मैन थे उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो जलियांवाले बाग में भी इंसिडेंट हुआ 1919 में, है ना, वहाँ पे एक ही बंदा था ना गोरा, जनरल डायर, बाकी उसके इधर भी जितने गोलियां चलाने वाले थे, इधर भी गोलियां चलाने वाले थे, सारे इंडियंस थे, राइट। अब हो अगर चाहते तो वो भी या तो इस बंदे को ही मार देते, जनरल डायर को, है ना, या फिर कह देते कि हम तुम्हें, तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, हम जो ये अनआर्म्ड लोग हैं, है ना, बेचारे इनोसेंट लोग हैं, कुछ लोग बैसाखी देखने आए थे गुरुद्वारे, वो भी जलियांवाले बाग आए, कि हम इनके ऊपर गोलियां क्यों चलाएं, इनका कसूर ही क्या है, है ना, ये तो हमारे ही भाई हैं, हम अपने भाई भाई के ऊपर गोली क्यों चलाए। तो वो उस टाइम पे अगर ना गोलियां चलाते, इंडियंस ही थे सारे, है ना, गोलियां चलाते, तो इतना बड़ा कांड होता ही ना, आज हिस्ट्री कुछ और होती, बट ऐसा नहीं हुआ उस टाइम पे, है ना। तो लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो उसको बिल्कुल अनजस्टिफाइड बताता है, यहाँ पे हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन यहाँ पे देखो कितना बड़ा इवेंट था, हिंदूज थे, उनके पास मौका था अपनी भड़ास निकाल लेते, है ना, उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के बीच में कन्फ्लिक्ट काफ़ी पीक पे थे, बट उन्होंने मना कर दिया, ये वो कहते कि ये हमारे भाई हैं, हम क्यों इनके ऊपर गोलियां चलाएं, मुस्लिम्स हैं तो क्या हुआ, है ना। तो ये एक बड़ा ही सेटबैक था गवर्नमेंट के लिए, कि जहाँ पे हिंदुओं ने मुस्लिम्स के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया, है ना, मतलब दिल एक अंदर अंदर खुशी मिलती है ना मन को ये बात सुन के। वही एक अगर हम जलियांवाले बाग की बात कंसिडर करें, तो कितना दुख आता है कि हमारे ही लोग थे, वो जनरल डायर को मार देते उसको, है ना, क्या होता है, एक बंदा जो था, एक मतलब बुरा बंदा जो था, अनपॉपुलर बंदा, वो मर जाता तो अच्छा ही होता, है ना। तो ये चीज़ थी। तो देन इसके बाद जो गांधी जी थे उनको पेशावर में मलंग बाबा बोला जाता था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। देन शोलापुर महाराष्ट्र में जो था इंसिडेंट हुआ था वो थोड़ा सा वायलेंट था, वहाँ पे भी जैसे ठेके वगैरह थे उनको तोड़ा फोड़ा गया, पुलिस स्टेशन को तोड़ा फोड़ा गया, तो ये थोड़ा सा हटके मूवमेंट था, इससे ये नॉन वायलेंट नहीं था, वायलेंट मूवमेंट था। देन बिहार एंड बंगाल, बंगाल में मूवमेंट जो था वो इतना ज़्यादा मतलब तेज रेस नहीं पकड़ा, बिकॉज उस टाइम पे पहले ही इस ये एक हॉट बेड आपको पता है बन चुका था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स किए थे वहाँ पे सप्रेशन के। लेकिन बिहार में ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जैसे कि वहाँ पे चौकीदारी टैक्स जो था लोगों ने देने से मना कर दिया था, स्पेशली मोहंगीर सराय एंड भागलपुर एरिया में ये सक्सेसफुल रही है कैंपेन। देन दरसाना गुजरात में क्या हुआ था कि जितनी साल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनका पीसफुली रिवोल्ट किया गया था। अगर आपने गांधी मूवी देखी हो तो उसमें एक इंसिडेंट आपने देखा होगा, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी हैं, वो भी एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, 6-7 बंदे का ग्रुप है, ठीक है, वो बारी बारी से ग्रुप बना बना के जो है वो जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आगे प्रोटेस्ट करने के लिए, फिर उनको इतनी लाठियां मारते जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाते हैं नीचे, है ना। फिर एक और ग्रुप जाता है, फिर जैसे सरोजनी नायडू भी थी उसमें, कस्तूरबा गांधी भी थी इन्वॉल्व, अब्बास तैयब जी थे, ठीक है, तो वो सारे ग्रुप्स ले लेके जाते हैं, मार खाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ये सारा इंसिडेंट वहाँ पे अमेरिकन जर्नलिस्ट था एक वेब मिलर, ठीक है, इसने गांधी जी की भी सारी जो भी इवेंट थे उनकी मतलब लाइफ के वो भी रिकॉर्ड किए थे इसने, वेब मिलर ने, और इसके साथ साथ ये इवेंट इसने रिकॉर्ड किया, जिसको बाद में अमेरिका में हर एक न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन बना और पूरे वर्ल्ड में ये जो बात थी आग की तरफ फैल गई, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी मतलब रेपुटेशन के ऊपर एक बड़ा, बहुत बड़ा धब्बा लगा था इस इंसिडेंट की वजह से, हाईलाइट होने की वजह से।
सो उसके बाद छतरपुर एमपी में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था तो उसके रिवोल्ट में डाकू मंगल सिंह ने पार्टिसिपेट किया था. लोगों को कहा गया था, प्रोपेगेट किया था कि आप जो है वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो गवर्नमेंट का. देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस जहाँ जहाँ पे भी जंगल थे वहाँ पे जो वो फॉरेस्ट लॉज थे उनको वायोलेट किया गया ओपनली. मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करके उनके प्रोडक्ट बना के ओपनली जो था वो इलीगली बेचा गया, इलीगली ऑब्टेन करके उसको बेचा गया ओपनली. देन साउथ इंडिया में मद्रास प्रोविंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी राजा गोपालचारी जो थे उन्होंने साल सत्याग्रह जो था वो लॉन्च किया. लाइक दांडी मार्च ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदरन्याम. ही वॉज गिवन द सपोर्ट बाई के कामराज एंड सरोजनी नायडू. बट वहाँ पे मद्रास में जस्टिस पार्टी जो थी जो कि लॉयलिस्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसने कोई सपोर्ट नहीं दिया इनको. देन मालाबार में के कलप्पन लेड मार्च फ्रॉम कैलिकट टू पयानूर. असम में जो था वहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ था कनिंगम सर्कुलर को लेके. अब एनसीएम के दौरान आपको पता है कि मतलब 90,000 से भी अबव जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्ट्राइक में, राइट. बट इसमें क्या हो गया कि इस टाइम पे एक कनिंगम सर्कुलर जो था उसके बाद निकाला गया जिसमें जो पेरेंट्स थे या गार्जियंस थे या स्टूडेंट्स थे उनसे इंश्योरेंस ली गई थी ऑफ गुड बिहेवियर कि आप किसी तरह की एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, किसी तरह की एंटी गवर्नमेंट स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे. तो जिसके चलते मास बेस पे इनका इस चीज़ का कनिंगम सर्कुलर का रिवोल्ट किया गया था असम में. देन बंगाल में देर वर लेस प्रोटेस्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस मूवमेंट एंड क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू एन सी एम. इन मणिपुर एंड नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड में जो था वो ब्रिटिश रूल का रिवोल्ट किया गया अंडर द लीडर जडोंग. और जडोंग के बाद ये लीडरशिप जो थी एक लड़की के हाथ में आई थी जिसका नाम था गडेनल्यू. गडेनल्यू जो थी इनको बाद में 1932 में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी. जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको टाइटल दिया था रानी और क्वीन का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना. सो देर वॉज नो, अगर का रिजल्ट अगर हम बात करें तो लॉयर्स की अगर हम देखें एन सी एम के दौरान बहुत सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लिक्रेटिव प्रैक्टिसेस छोड़ी थी. लोगों को बताया था कि ये मतलब हमारे लिए, हमारा देश जो है वो हमारे काम से इंपॉर्टेंट है ना. स्टूडेंट्स ने भी छोड़ा था. बट इसमें उसमें क्या हुआ था कि बाद में काफ़ी लोगों को अपनी जॉब्स वापस नहीं मिली थी. तो लोग फिर जब ये मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करी तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी रिलक्टेंसी फील करी तो नहीं आए साथ में. स्टूडेंट्स का भी सेम इसी तरीके से. सो देर वॉज लार्ज स्केल यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत रहा है विच वॉज अ मेजर स्टेप इन देयर इमेंसिपेशन. देन टीन एजर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है. वानर सेना थी बॉयज़ की और गर्ल्स की मजरी सेना. मजरी सेना जो थी इट वॉज लेड बाय इंदिरा नेहरू, ठीक है, जो कि बाद में इंदिरा गांधी बनी, ठीक है. तो इंदिरा नेहरू जो थे इन्होंने लीड किया था मजरी सेना को. देन रिजल्ट मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर सेंट टू जेल. महात्मा गांधी जी को ये रावड़ा जेल में भेज दिया गया था. पुणे में जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में भेजा गया नियर इलाहाबाद. देन लोगों के बीच में एक फटीग नजर आनी शुरू हो गई थी. एंड मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते उनका भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम दिखा इस मूवमेंट में. मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम था. पीजेंट्स को सप्रेस किया गया जहाँ पे भी गवर्नमेंट कर सकती थी. एंड मोर ओवर जितनी भी मीन्स जो एंड रिजल्ट इसका निकला कि सारा कुछ देख के जो लॉर्ड इरविन था उसने गांधी जी को प्रपोज किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है, कि डोमिनियन स्टेटस की हम बात करेंगे बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पोजीशन होगी, क्या रूल होगा, वो कुछ भी मेंशन नहीं किया जो कि अगेन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात थी. तो गांधी जी ने उस ऑफर को रिजेक्ट किया, ठीक है. तो इसके बाद हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, पहली जो हुई थी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.